और मेरी बहन वो शादी शुरू। मेरा फोन मंकी ले गया। मैं लेके आता हूँ, तुम फिक्र मत करो। मंकी मंकी ओके मंकी काटेगा, तुम फिक्र मत करो। अगर ये इटालियन है तो मैं इंडियन हूँ। बी केयरफुल। फोन दो बेटा, तुम आ जाके खड़ी हो जाओ, इधर मत आना। फोन दे बेटा प्लीज। नॉटी मंकी, तू किसको फोन करेगा बेटा? फोन दे दे बेटा, मंकी बेटा फोन दे। इज्जत का फलूदा क्यों निकाल रहा है यार? फोन दे दे, इंप्रेस करना चाहता। देख दो झापड़ मार चुका, अब प्लीज दे दे। मैं इटालियन बाकर से जंग जीत गया। थैंक यू। ये कौन है? इस घर की मालकिन जुलेखा मैम और उनके 3 करोड़पति। करोड़पति? उनके मरहूम पति जो उनके लिए करोड़ों छोड़ गए। सुलेखा मैम का दिल बूढ़े करोड़पतियों के लिए बहुत धड़कता है, पर बदकिस्मती देखो सुहागरात को ही 3 गुजर गए। ये तस्वीरें उतारनी पड़ेंगी। आप किसकी इजाजत से ये तस्वीरें उतारने की बात कर रहे हैं? ये विधवा स्लो मोशन में क्यों चल रही है? नमस्ते। नमस्ते। आपकी तारीफ। मैम वो मैंने आपको बताया था ना, नए किराएदार जो। हाँ हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुमने बताया ना कि हम घर सिर्फ शादीशुदा लोगों को देते हैं, राइट? आप लोग शादीशुदा हैं? यू आर मैरिड राइट? हम शादीशुदा हैं। तब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलराइट, कहाँ दस्तखत करने? कम ऑन भाभी जी। झूठ क्या फर्क पड़ता है, जा रही है। और जिस झूठ से किसी का घर बसता है वो झूठ झूठ नहीं होता। प्लीज आरुष। ऐसा कहाँ लिखा है? झूठा ही बना दिया मुझे। आया आया, मैं किस एंगल से आया लगती हूँ? कुक कुक मैं कुक। सॉरी बेबी, हम लोग और क्या कर सकते थे? मैं बताता हूँ, झूठ बोलने से अच्छा सच बोल सकते थे। 50 झूठ बोल चुका हूँ, 50 झूठ मुझे और बोलने पड़ेंगे। इसके पापा के सामने पागलों की तरह अफ्रीकन डांस कर रहा हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ, पागल हो गया हूं। लेकिन तुम लोगों को बोलने से क्या होगा? मेरी तो किस्मत खराब है। देखा देखा मेरी किस्मत। ओह तेरी किस्मत खराब है? हा? तेरी किस्मत तुझे मोहिला, तेरी तेरी मेरी बीवी, तेरी बीवी तेरी बीवी, तेरी बीवी मेरी बहन, तेरी होने वाली बीवी तेरी बीवी मेरी बहन। ये हर बार हर औरत तेरी बीवी और मेरी बहन बन जाती है और तेरी किस्मत खराब है। वाह शाबाश। ये सब छोड़ो, अफ्रीकन बच्चा स्टेला का है। तुम्हें भी हर चीज जल्दी चाहिए ना? नकली बच्चा, नकली पति, नकली घर, नकली पापा। पापा के बारे में ऐसे मत बोलना, पापा असली है। ओके पापा, पापा, वो अमना मौसी, आ कुतरा उनी सामने ना नाचता। कुतरा मौसी? आ हाथ मने आप ही दे दन्नो। मैं भूल गई थी। क्या? पापा को नींद में चलने की बीमारी है। What? It is a new year. गब्बर सिंह, क्या मेरी रिश्ता पक्का समझो? पक्का 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 पक्का। सुरमा भोपाली, होली क्या रे छे भाई? बाल बाल बच गए। बाल बच्चे? अभी पाल पाल बच गए, पाल बच्चे नहीं। सॉरी। ये गाड़वा उठ। पापा ले, पापा पापा। व्हाट? दामाद जी पक्का। लामा जी ये क्या कर रहे हो? हाँ मैं
मैं पुशअप्स कर रहा हूँ, एक्सरसाइज। पुशअप एक्सरसाइज मैं भी करता हूँ। नहीं आप नहीं कर सकते। अरे तो मैंने जो तो करा, आप थक जाओगे। मैंने जो तो करा भाई। ए बे त्रण चार पांच छह सात तुझे जाओ ढाकी क्यों भाई ढाकी क्यों देखो कर तू यहाँ क्या कर रहा है मैं अरे जल्दी बोल अंदर आ रहा था सुबह सुबह नाश्ते का ऑर्डर लेने के लिए नाश्ते का ऑर्डर लंगा पूंगा दामाद जी जरा साइड में हो जाओ नाश्ते में क्या खाओ और कुछ खाओगे सर राहुल राजेश मोहन राज रो रहा है अरे निसगिन यू हाउ कुड यू सेड यू वर टेकिंग माय बेबी फॉर अ ड्राइव एंड यू केप्ट हिम फॉर दिस लॉन्ग आ सूट पर लगा कौन से ये राहुल राजेश मोहन राज की टीचर है स्कूल में पढ़ाती है यू आर सो लकी दैट आई एम टेकिंग हिम टू प्ले स्कूल अदरवाइज आई वुड हैव कॉल्ड द पुलिस इट्स ब्लडी किडनैपिंग और नहीं किडनैपिंग पुलिस क्या चिल्ला रही है दबा ओवरनाइट मतलब क्या होता है ओवरनाइट मतलब होता है कि नाइट इज ओवर यानी कि रात खत्म हो चुकी है किडनैपिंग मतलब क्या होता है कि किड जो है वो नैपिंग कर रहा है यानी कि बच्चा सो रहा है और जो स्कूल की बात थी और पुलिस की बात थी यानी कि बच्चा जो है स्कूल से निकल के बड़ा होके पुलिस बनेगा ये वो टीचर कहना चाहती थी दैट्स व्हाट शी वाज सेइंग ऐसे बोला ना कुछ कैसी औरत है अपने नादे को गले भी नहीं लगाने दिया हाँ ये गलत है That's wrong. पूछना चाहिए टीचर को अभी बच्चा चला गया अभी टीचर भी चली गई और अब आप कब जाओगे ऐसे कैसे जाएंगे मैं मेरी बेटी से मिला मेरे नाती से मिला मेरे दामाजी से मिला क्या मैं पहली बार लंदन आया हूँ तुम लोग घुमाओगे नहीं मुझे of course घुमाएंगे गोकर हाथ पर लगा वो मेरा भी राइट लेफ्ट का प्रॉब्लम है बिफोर ये प्रॉब्लम आगे बढ़े आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए मैं आपको लंदन घुमाता हूँ आइए I'm satisfied, यार। पसीने छूट गए यार। मेरे भी। चल चल। कृष्णा जी। अंकल आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तो प्रसाद देने आया था। ओ। लेकिन आप भी? क्या?
बॉय के साथ नाते हो? हाँ तो लाइफ बॉय साबुन के साथ नाने में इतनी शॉकिंग बात क्या है? इट्स अ वियर्ड फैन. ए कुकल, तू यहाँ क्या कर रहा है? मेरी बीवी है ना. रगेले हो तो नाटक में. हम नाटक ही कर रहे थे. ए हेतल, तू जाके सैंडी के रूम में जाके सो जा. चल, अरे चल. ओके पापा, बाय. तू कहाँ जा रहे? मैं आज तू मेरे साथ इस कमरे में सोएगा, मैं तेरे ऊपर नजर रखूंगा. हाँ ओके पापा. केम छो मजामा पापा नो पजामा पापा प्यार का टांडे रस खेले. तू क्या देख रहा है? तू आज जमीन से सोएगा. सर लेकिन सिट डाउन. जी शायद मैं तुम्हारे बारे में गलत हूं. शायद स्लीव्स फोल करो. शायद जब टब में मेरा फोन गिरा उसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं था. शायद जो वेट्रेस मैंने कसीनो में देखी वो तुम्हारी बहन नहीं थी. शायद वो डीलर तुम्हारा ब्रदर इन लॉ नहीं था. शायद जो आदमी बाथरूम के बाहर अपने सन इन लॉ का इंतजार कर रहा था वो किसी और का इंतजार कर रहा था और बाथरूम के अंदर तुम्हारे अलावा कोई और भी था. शायद अगर एक भी शायद सच हो तो मैं अपनी बहन की शादी तुमसे नहीं करवाऊंगा. तुम्हारा ये सच जानने के लिए मैं ये लाई डिटेक्टर का यूज करूंगा. तुम मुझसे झूठ बोल सकते हो पर इससे नहीं. अन्ना ये आप क्या कर रहे हो? सच और झूठ का इम्तिहान ले रहा हूं. आरुष को कोई एतराज नहीं, राइट आरुष? ग्रेट. सो इट्स सिंपल. अगर तुमने सच कहा तो सुई ग्रीन पर जाएगी, अगर तुमने गलत जवाब दिया तो सुई लाल पर, और एक बार भी सुई लाल पर गई तो मेरी बहन तुम्हारी जिंदगी से गई. सिंपल क्वेश्चन फर्स्ट, आंसर सिर्फ यस और नो में. ओके क्या तुम्हारा नाम आरुष है? Yes. See, it works. क्या ये घर तुम्हारा है? क्या ये घर तुम्हारा है? जी नहीं. उनका है. वो घर तो आरुष का ही है लेकिन इनके नाम पे. क्या इस घर में आने से पहले मैंने तुम्हें कहीं देखा है? नहीं. क्या तुम शादीशुदा हो? क्या ये सब लोग तुम्हारे? अन्ना प्लीज बस करो ये सब. मैं आपकी इज्जत करती हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आरुष की कम इज्जत करती हूँ. और इस तरह से टेस्ट लेके आप आरुष की इंसल्ट कर रहे हो. भाई हूँ तुम्हारा, पूरा हक बनता है मुझे ये सवाल पूछने का. पूछना ही है तो सवाल कुछ और होने चाहिए. आरुष, आरुष
क्या तुम उसे प्यार करते हो? Yes. हमेशा करोगे? कभी मुझे धोखा नहीं दोगे? जैसे मेरे भाई ने मुझे इतने सालों से हर दुख से बचा के रखा है, क्या तुम रख पाओगे? Yes.